सो हाय फ्रेंड्स, एट लास्ट हम शांगर पहुंच गए हैं। हम जो शांगर का फेमस मीडोज हैं उसको देखने जाएंगे। पता नहीं कैसा है, पिक्स में तो बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर ये रास्ता जाता है जो शांगर मीडोज की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। ये जो गेट है ये एंट्री पॉइंट है शांगर मीडोज का। सो गाइस, हम सेंज वैली के शांगर में आ चुके हैं और यहाँ से हमने एंट्री किया है जो शांगर का फेमस मीडोज हैं। और यहाँ से हम चलेंगे आगे। फाइनली शांगर मीडोज, लुक एट द माउंटेन्स, स्नो, और अभी आपको दिखाते हैं जन्नत, बर्फ, पहाड़, मैदान, पेड़, हिमाचल, डीके, यहाँ। ओ माय गॉड, परफेक्ट। तो आप खुद देवता देखते हैं बड़े मंदिर में? कौन से मंदिर देवता? हमारा देवता है देवता शंकर महादेव। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका। हाँ, वो सामने है ना। हाँ जी। और ये भी उन्हीं का है। ये भी उन्हीं का मंदिर है? मंदिर। ये भी उन्हीं का। अच्छा अच्छा, हाँ तो वहाँ तो जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। यहाँ से यही रास्ता यही है जी? ये मेन रास्ता यही है। अच्छा, यही रास्ता। अभी खुला है मंदिर या बंद हो गया होगा? नहीं नहीं, वो बंद होता है ना, नीचे सब कुछ। अच्छा, तो अभी जाने नहीं देंगे? जा सकते हैं। अच्छा, टिफिन काल के बाद है, 5 मंजिली है। 5 मंजिली। अच्छा अच्छा जी जी। हाँ जी, आपकी बन गई वीडियो, शानदार लग रहा है एकदम। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हैं हम शंखचूल महादेव टेम्पल पे। ये पीछे हमारे शंखचूल महादेव टेम्पल है और इसका मेन टेम्पल वहाँ पीछे है, वहाँ भी हम जा रहे हैं। और ये पूरा मीडोज के एकदम एच पे ये मंदिर बना है। मेरे पीछे शंखचूल महादेव का मंदिर है। एज पर हिस्ट्री और लोकल से जो हमें पता चला है कि ये महाभारत के काल का मंदिर है, और जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कहते हैं उनको कोई ढूंढ ना पाए, तो जब कौरव उनका पीछा कर रहे थे तो खुद शिव जी ने उनको प्रोटेक्ट किया था और कहा था जो इस मंदिर के एरिया तक आ जाएगा वो खुद उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इसका एक हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री है। और बोलते हैं कि ये मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा इसकी हिस्ट्री, कि ये मंदिर लवर्स के लिए है, जो कपल्स होते हैं उनको यहाँ के लोग और यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको लोग हेल्प नहीं करते या बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ के लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं जब तक उनकी जो विश है वो पूरी ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे लीक से हटके इसकी हिस्ट्री लगी, अजीब थी लेकिन मुझे यकीन करना पड़ा। और यहाँ पे जो बैन है चीज़ें, शराब, सिगरेट, दारू, ये तो होती है, उसके अलावा यहाँ आप कुछ आर्म्स या हथियार लेके नहीं आ सकते, वो यहाँ पे बैन है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि कुछ मंदिरों में होते हैं जहाँ फीमेल्स को अलाउड नहीं होता है एंट्री करना, यहाँ वैसा भी नहीं है, आप कोई भी दर्शन कर सकता है, कोई भी अंदर जा सकता है। तो ये एक दो चीज़ें हैं यहाँ की। और इसका जो एरिया है मीडोज का, ये 148 बीघा जो मुझे पता चला, ये पूरा एरिया शंखचूल महादेव मंदिर का पर्सनल एरिया है। मीडोज हैं, बहुत औसम है। ये एक मंदिर है, एक पीछे जहाँ अभी गए थे वो पीछे एक शंखचूल महादेव का मंदिर है, 5 स्टोरी है। देवता शंखचूर महादेव लिखा हुआ है, देवता शंखचूर महादेव। तो ऊपर क्यों नहीं जाने देते? भगवती है, भगवती जी हैं ये। दीप्ति जी, दीप्ति जी, ये ऊपर क्यों नहीं जाने देते?
जाने पंडित तो यहाँ से जंदल गए हुए ना। अच्छा, पूजा करके ऊपर रहते हैं पंडित जी? हाँ, ऊपर नहीं होते, वो रहते हैं अपने कमरे में यही। अच्छा, जी ठीक ठाक, आप बताओ? बिल्कुल बढ़िया। हम जी आए हैं जयपुर से, जयपुर दिल्ली से। ठीक है, ठीक, दिल्ली से। कैसा लगा देश हमारा? बहुत बहुत। आपका देश हमारा देश सेम ही है, एक ही है, हमारा भी यही देश है। तो आप गए, हाँ जी, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, तो हमें जाने दो ऊपर तक, जाने दो। नहीं जाते जी, नहीं हम जाते ना। हाँ, जब कोई फंक्शन है, तैयार है। अच्छा, तब जाने देते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है जी, नमस्कार। जी बिल्कुल, दोबारा आएंगे। जी जी, दो दिन से बारिश हो रही है, ट्रिप पूरा डिले रोड पे चल रहा है। अभी यहाँ थोड़ी देर हमने एंजॉय करना सोचा, फिर बारिश हो गई है, ऊपर वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, वो स्नो गिर चुकी है, सारे प्लान्स। अब कहीं छुपने जा रहे हैं, छुपने की कोई जगह नहीं है दूर दूर तक, तो भीगने से अच्छा है। वहाँ पे एक है जगह छुपने की, वहाँ जा रहे हैं। तो ये शांघर में बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, पिकनिक स्पॉट भी है, धार्मिक भी है, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट स्टोरी भी है इसके पीछे। आसपास पहाड़ भी हैं, घास भी है, मीडोज भी है, कॉटेजेस भी हैं, रूम्स भी हैं, पेड़ भी हैं, एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे। तो यहाँ अगर कोई शांघर और सेंज वैली में आ रहा है, तो ये एक ऐसी जगह है जो आप देख सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, कुल्लू और टनल तक तो सबको पता है, उसके बाद सेंज वैली के लिए डाइवर्जन होता है, वो भी रोड अच्छा है, लेकिन सेंज वैली के बाद जब आप शांघर के लिए डाइवर्जन लेते हो, लास्ट का 1 किलोमीटर बहुत बहुत ही गंदी हालत में है, और गाड़ी पावरफुल होनी चाहिए, नॉर्मल गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। और जो यहाँ रूम्स हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आपको हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, रूम्स भी मिल जाएंगे, कॉटेज भी मिल जाएंगे, होम स्टे भी मिल जाएंगे, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत नहीं है, घूमने की दिक्कत नहीं है। आसपास कुछ चीज़ें बताई हैं, एक चीनी थाश है, वो ऊपर जो पीक है उसका ट्रैक है, थोड़ा सा टफ है, एक गढ़ शांघर वाटरफॉल है, और रायला करके एक जगह है जहाँ पे ट्विन टावर्स हैं, वो एक अच्छी जगह है देखने की, और यही है। और आसपास तीर्थन वैली को आप कवर कर सकते हो, जीबी जलोरी पास, सेरोलसा लेक, छोई वाटरफॉल, जीबी वाटरफॉल, ये सब आसपास ही हैं। तो एक कंप्लीट जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ें पास पास ही आप विज़िट कर सकते हो, मनाली के रश को और भीड़ को छोड़ के। कम लोग आते हैं यहाँ, भीड़ कम मिलेगी। तो यहाँ के लिए शांघड़ का मीडोज़ का जो ब्लॉग है, हम यहाँ यहाँ तक ही था।